हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं किसकी, साइन 75 की एंड टेंजेंट 15 डिग्री की। तो यहाँ जो है मैं आपको बताऊँगा कि आप इजी से कैसे, किस फॉर्मूले का यूज़ करके आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंट 15 की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट जो है यहाँ आप हम बात करेंगे किसकी वैल्यू, साइन 75 की। तो फर्स्ट मैं पार्ट को लेके चलता हूँ और इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस में 30। तो इसको मैंने दो अलग अलग वैल्यू में जो है कन्वर्ट कर लिया, 75 को लिखा 45 प्लस में 30। अब यहाँ जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा किसका, साइन ए प्लस में बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ जो है यूज़ कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ए की जगह मेरे पास क्या है 45 और बी की जगह मेरे पास क्या है 30। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो ये जो मेरे पास साइन 75 डिग्री है किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए मतलब 45 कोस बी कोस 30 प्लस में कोस 45 साइन 30। ये जो है मेरे पास आ जाएगा। अब साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 एंड कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अगर मैं इनको लूँ ये आ गया √3/2√2 प्लस में 1/2√2 इज इक्वल टू, दोनों क्या कर देता हूँ एड, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 2√2 और ये मेरे पास सर आ जाएगा √3 प्लस में 1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टेंजेंट 15 डिग्री की। टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो बिल्कुल ईजी सा है। इसके लिए भी आपको क्या करना है, देखिए टेंजेंट 55, तो सेम सेकंड पार्ट, टेंजेंट 15 टेंजेंट 15 की वैल्यू, इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट 45 माइनस में 30। देखो 45 माइनस में 30 कितना होता है, 15 होता है। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस में 30। यहाँ जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा किसका, टेंजेंट ए माइनस में बी का। टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस में सॉरी टेंजेंट बी 1 प्लस में टेंजेंट ए इनटू में टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ करेंगे। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ए की जगह मेरे पास 45 है एंड बी की जगह मेरे पास क्या है 30। तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं तो ये आएगा मेरे पास टेंजेंट 45 माइनस में टेंजेंट 30 डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट 45 एंड टेंजेंट 30। अगर मैं इनकी वैल्यू यूज़ करूँ तो टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है माइनस में टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है मेरे पास वो होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस में टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। दोनों का अगर एलसीएम ले तो √3 क्या आएगा एलसीएम और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा √3-1 डिवाइड बाय √3 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3+1 डिवाइड बाय √3। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसर, ये आया मेरे पास √3-1 डिवाइड बाय √3+1। क्या कर लेते हैं नेक्स्ट, इसका रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये √3+1 है तो मैं क्या करूँगा √3-1 की मल्टीप्लाई और √3-1 से डिवाइड, तो ऊपर का आ जाएगा मेरे पास √3-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में ये क्या आएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा माइनस में बी स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू। यहाँ जो मैं ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूँगा तो ये आएगा ए प्लस में बी, तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस में √3 डिवाइड बाय 3-1 कितना आ जाएगा 2। दोनों को ऐड अगर मैं करता हूँ तो 4 और यहाँ है √3, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन लेने पर आ जाएगा
टू माइनस में रूट थ्री डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल होके मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा टू माइनस में रूट थ्री। इसका मतलब टेंजेंट 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरे पास 2 माइनस में रूट थ्री। ओके फ्रेंड्स, तो इस वे से आप इजी से जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, साथ के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है उसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन जो है आप व्हाट्सएप पर सेंड करोगे आपका जो है आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगेन आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।